Hello everyone. So today I welcome you all to the 17th day of Coding Pathshala. So today's topic is all about the capturing and managing the mobile sensors. So today we have Ankur with us. He will let you know about the capturing and managing mobile sensors. So Ankur, over to you. Can we start now? Yes, sure, ma'am. So basically, आज हम जो पढ़ेंगे वो है कैप्चरिंग सेंसर्स ऑफ योर फोन्स. आपके फ़ोन में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, ओके, इंक्लूडिंग योर एक्सेलेरोमीटर एंड योर वाइब्रेशन सेंसर्स एंड ऑल ऑफ दैट. आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सेलेरोमीटर के बारे में और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम कैसे गेट करते हैं और उनसे हम क्या काम करवा सकते हैं. ओके, सो I will share the screen with you guys. तो आज जो है हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं. ओके, तो आपको सबसे पहले तो अपना एंड्रॉयड स्टूडियो खोलना पड़ेगा और एंड्रॉयड स्टूडियो खोलने के बाद आप जाएंगे फाइल पर और आप क्लिक करेंगे न्यू पर एंड देन न्यू प्रोजेक्ट. आप जैसे कि हर बार न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक टेम्पलेट आता है जो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है. ओके, जहाँ पर से आपको एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना. यहाँ से आप अपने ऐप का नाम रख सकते हैं. अपने केस में इसका नाम रख देता हूँ माई सेंसर्स, माई सेंसर, दैट इज गुड. ओके, तो अब मैं यहाँ पर फ्रेश बटन जैसे ही क्लिक करता हूँ तो होगा क्या कि आपका जो ऐप है वो बिल्ट होना शुरू हो जाएगा, ग्रेडल सिंक होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा. एटलीस्ट 2 to 3 minutes लगते हैं आपके ग्रेडल को सिंक होने में. वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम. जब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें होगा क्या क्या. बेसिकली एक्सेलेरोमीटर जो सेंसर होता है वो फोन्स में होता है. ओके, और क्यों यूज़ होता है? बेसिकली एक्सेलेरोमीटर जो होता है यूज़ होता है आपके ओरिएंटेशन. प्लीज़ ज़ूम द स्क्रीन, एक्चुअली इट्स नॉट विजिबल फॉर यू. दिस वन, ओके. सो बेसिकली एक्सेलेरोमीटर जो होता है हर फोन के अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, और इसका काम जो होता है वो होता है कि आपके ओरिएंटेशंस को वो चेक करता है. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आपका जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट से होकर लैंडस्केप में हो जाता है. ओके, सिमिलरली अगर आप कोई वीडियो क्लिप देख रहे हैं तो होता क्या है, जब तक आप वीडियो क्लिप नहीं देखते तब तक आपका फ़ोन जो होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है और जैसे ही आप किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो वो लैंडस्केप मोड में आ जाता है. ओके, सो बेसिकली ये कैसे हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है? ये एक्सेलेरोमीटर की मदद से हो रहा है क्योंकि एक्सेलेरोमीटर जो होता है वो आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है कि आपका फ़ोन जो है उसके क्या ओरिएंटेशंस हैं, वो कैसा रखा हुआ है, वो एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू है उसकी, वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू है एंड जेड एक्सिस पे कितनी वैल्यू है. ओके, तो एक्सेलेरोमीटर जो होता है वो तीन वैल्यूज देता है. एक देता है एक्स एक्सिस की, एक देता है वो वाई एक्सिस की और एक जेड एक्सिस की. तो आज बेसिकली हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि हम एक्स वाई जेड जो तीनों वैल्यूज हैं वो जो चेंजेस आएंगे उनमें, उनकी मदद से हम कुछ काम करवाएंगे अपने ऐप से. ओके, और वो क्या होगा? वो होगा हम इमेज को चेंज करवाएंगे, हम एक इमेज व्यू को इंसर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में. ओके, और उसके बाद आप हर अपने ऐप अपने फ़ोन की अलग अलग पोजीशन पे आपको हर बार इमेज व्यू में एक अलग इमेज ऑटोमेटिकली दिखेगी. सो ये बेसिकली आज का हमारा ऐप है और आज हम इस सेंसर के ऊपर काम करेंगे. वैसे तो बहुत सारे सेंसर्स होते हैं फ़ोन के अंदर, वाइब्रेशन सेंसर होता है, प्रॉक्सिमिटी, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, लेकिन हम बेसिक सेंसर जो होता है एक्सेलेरोमीटर उस पर काम कर रहे हैं बिकॉज ये जो सेंसर होता है वो हर ऐप में होता है, फ़ोन में होता है. ओके, ये हर फ़ोन में इजीली अवेलेबल होता है इसीलिए.
तो अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबका जो ग्रेडल है वो सिंक हो गया होगा। अगर आपका ग्रेडल सिंक जो है फिनिश हो गया है तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल अपनी खोलनी है। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये रही हमारी लेआउट फाइल। अब बेसिकली यहाँ पर हम क्या करें, हम यहाँ पर दो चीज़ें इंसर्ट कराएंगे। पहला होगा हमारा इमेज व्यू, ओके, और दूसरा होगा क्या, हमारा टेक्स्ट व्यू। अब आप सोचेंगे कि दो चीज़ें यहाँ पर काम क्या है इनका, तो पहला तो टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू क्यों, टेक्स्ट व्यू इसीलिए क्योंकि हम जो एक्स वाई और जेड ये जो तीन एक्सिस की वैल्यूज आएंगी उन्हें हम शो कराएंगे टेक्स्ट व्यू के थ्रू, ओके। और इमेज व्यू क्यों, क्योंकि इमेज व्यू में हर वैल्यू के चेंज होने पर हम अलग इमेज को शो कराएंगे यूजर को। आपको और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा जब हम इस ऐप पर काम करना शुरू करेंगे, और अगर आप मेरे साथ करते जाएंगे तो आप ऐप को आखिरी में रन कर कर भी चेक कर सकते हैं कि आपका ऐप कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओके। इसके लिए आपको तीन फोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तीन इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके लैपटॉप में तीन इमेजेस, कोई भी सैम्पल इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको तीन इमेजेस की ज़रूरत है, ओके। मैं तीन सैम्पल इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास इमेजेस नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। तो अब सबसे पहले तो हम अपनी लेआउट फाइल के अंदर व्यूज को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड नाम का टेक्स्ट व्यू पहले से ही होता है। आपको उसे हर बार सेलेक्ट करना होता है और डिलीट बटन को दबाना होता है ताकि आपकी लेआउट फाइल जो है क्लियर हो जाए, ओके। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो लेआउट फाइल है इसके अंदर सबसे पहले इंसर्ट करेंगे इमेज व्यू को। तो मैं यहाँ पर पैलेट पे गया और उसके बाद मैंने इमेज व्यू को सिलेक्ट करा और उसके बाद इसे ड्रैग करा और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब ये मुझे सेलेक्ट करने का बोल रहा है कि आप सेलेक्ट करिए कि आपको किस फोटो को सेलेक्ट करना है इमेज व्यू के बैकग्राउंड में। तो आप बेसिकली अभी एक नॉर्मल सा आईसी लेआउट बैकग्राउंड ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट करा है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम कोडिंग के थ्रू जो पिक्चर्स हैं इमेज व्यू के अंदर उन्हें चेंज करेंगे। तो अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनिशियली कौन सा फ़ोटो जो है उसे असाइन कर रहे हैं। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपका जो इमेज व्यू है ये आ गया यहाँ पर, और इसके अंदर एक बेसिक सा बैकग्राउंड जो है वो आपने सेट कर दिया। ओके तो इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप एक टेक्स्ट व्यू को इंसर्ट कराएंगे। मैंने आपको बोला था कि आपको एक इमेज व्यू चाहिए और एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो इमेज व्यू हमने इंसर्ट करा दिया है। अब हम टेक्स्ट व्यू को इंसर्ट कराएंगे। तो टेक्स्ट व्यू को इंसर्ट कराने के लिए आपको पैलेट में जाना है और टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इमेज व्यू के बिल्कुल नीचे यहाँ पर। सी हियर, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस टेक्स्ट व्यू को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे और इसे थोड़ा सा इनलार्ज कर देंगे, क्योंकि हमारे जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है जो एक्सेलरोमीटर हमें प्रोवाइड करेगा वो बहुत ज्यादा होगी। उसकी जो जो वैल्यूज़ होंगी वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में हो सकती हैं, इसीलिए हम इस टेक्स्ट व्यू को थोड़ा बड़ा रखेंगे ताकि सारी वैल्यूज़ जो है प्रॉपर दिखे हमको, ओके। और उसके बाद हम अपने टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एट्रीब्यूट्स में आएंगे, और एट्रीब्यूट्स में से टेक्स्ट वाला जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर से ये टेक्स्ट व्यू जो लिखा है उसे हटा देंगे,
और उसके बाद स्क्रीन पर टैप कर देंगे एक बार। सो एज यू कैन सी हियर आपके दोनों जो व्यूज़ हैं वो लेआउट फाइल में आ गए। अब आपको क्या करना है, अपने जो लेआउट्स हैं उनको एक पोजीशन पर फिक्स रखने के लिए आप इन्फर कंस्ट्रेंट बटन होता है, ये देखिए यहाँ पर, आपको इसे दबाना होगा। आप इसे प्रेस करेंगे सो बेसिकली होगा क्या, ये देखिए थोड़ा सा जो है माइनर सा चेंज आएगा, तो आप उसे वापस से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा कुछ, इट्स नॉट अ बिग डील, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए बस इतना करने के बाद आपका लेआउट फाइल का काम जो है वो हो गया पूरा। अब मैंने आपसे बोला था कि आपको 3 सैम्पल इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके आई होप आप ती आपके पास तीनों सैम्पल इमेजेस होंगी। ओके और उन्हें हम अपने ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर पेस्ट करेंगे। ओके सो अभी के लिए तो इतना ही। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपनी तीनों इमेजेस को एक एक करके कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, या आप चाहें तो अगर आपके पास जेपीजी फॉर्मेट में है तो एक साथ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके मेरे पास जो है जेपीजी फॉर्मेट में है तो मैं एक साथ तीनों इमेजेस को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास पीएनजी फॉर्मेट में है आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि पीएनजी फॉर्मेट में है या जेपीजी फॉर्मेट में है, तो आप एक साथ नहीं कर सकते, आपको एक एक करके करनी पड़ेगी। ओके सो आप स्क्रीन को करेंगे मिनिमाइज और उसके बाद जाएंगे कहाँ पर, जहाँ आपकी फ़ोटोज़ जो हैं वो रखी हैं। बेसिकली मेरे पास ये 3 फोटोज़ हैं, मैं इन तीनों को एक साथ कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं खोलूँगा वापस अपना एंड्रॉयड स्टूडियो। और अब आपको देखना होगा थोड़ा कि एग्जैक्टली मैं पेस्ट कहाँ पर कर रहा हूँ अपनी फ़ोटोज़ को। मैं अपनी फ़ोटोज़ को पेस्ट करने वाला हूँ ऐप फोल्डर के अंदर, ये जो RES फोल्डर है इसके अंदर, ये ड्रॉएबल इसके अंदर। आपको इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर अपनी तीनों इमेजेस को पेस्ट करना है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी इमेज का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि वो JPG फॉर्मेट में है या PNG फॉर्मेट में। मैं यहाँ पर तीनों को एक साथ पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे जो इमेजेस हैं वो JPG फॉर्मेट में हैं। अगर आपके PNG फॉर्मेट में हैं तो मेक श्योर आप पहले JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद फिर कुछ करें। और आपको पता है कि कैसे करते हैं, आपको एक एक करके कॉपी पेस्ट करना है अपनी तीनों इमेजेस को, और जब आपको उसको रीनेम करने का ऑप्शन आएगा तो आपको PNG को बैकस्पेस से हटाकर JPG लिखना पड़ेगा। ओके तो अगर आपको ये स्क्रीन आ रही होगी तो आपको यहाँ पे सिंपली ओके क्लिक करना है और उसके बाद फिर से ओके क्लिक करना है। एंड यू कैन सी हियर मेरी तीन जो फाइल्स हैं इमेज फाइल्स वो यहाँ पर आ गई। यू कैन सी मैं टैप करूँगा, ये देखिए ये मेरी पहली इमेज है। ओके दिस इज़ माई सेकेंड इमेज एंड दिस इज थर्ड वन। आपको एक बार अपनी इमेजेस को खोल कर देख लेना होगा सो दैट आपकी इमेज आपको पता चल जाए एग्जैक्टली कि सच में वो प्रोसेसेबल है या नहीं, उसमें आप ऐप जो है अपना प्रोसेस कर सकते हैं उसके साथ या नहीं। ओके आई विल वेट फॉर 1 मिनट सो दैट आप सभी अपना कॉपी पेस्ट कर कर पूरे कंप्लीट कर लें प्रोसेस को।
अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों व्यूज जो है उनको आईडी प्रोवाइड करेंगे, ओके, बिकॉज वी वांट टू यूज देम इन आ कोड। और जब भी हम किसी कोड को अपने जब अपने व्यू को कोड के थ्रू यूज़ करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि हम उसे आईडी के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। हम जब भी किसी व्यू को कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे हम यूज़ करेंगे आईडीज, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज व्यू है उसकी आईडी क्या है, इमेज व्यू। अंकुर, पीपल आर कमेंटिंग लाइक दे वांट सी लिंक फॉर इमेजेस। लिंक फॉर इमेजेस, मैंने उनको बोला कि यू कैन चूज एनी ऑफ द इमेजेस, आपके एक लैपटॉप में कोई भी इमेज हो आप उसे यूज कर सकते हैं। आई एम यूजिंग दिस फॉर सैम्पल पर्पस। अगर आपके पास इमेज नहीं है तो यू कैन डाउनलोड एनी इमेज फ्रॉम गूगल, ओके। वैसे ऐसा होता है कि आपके जो लैपटॉप होता है, आप कंप्यूटर होता है, बाय डिफॉल्ट उसमें चार इमेज होती ही है ऑलरेडी, तो यू कैन यूज दैट इमेज ऑल्सो। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैं इमेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके बिना ये ऐप चलेगा नहीं, ओके। या गो अहेड। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए इसकी आईडी जो है इमेज व्यू है। आपको ध्यान रखना है कि इसकी आईडी एग्जैक्टली कैसी है, उसमें क्या कैपिटल लेटर में है, क्या स्मॉल लेटर में है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है कि जब आप आईडी चेंज आपकी आईडी कुछ कहीं डिफर हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एरर जो है देखने को मिलती है, ओके। तो इस केस से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी आईडी को थोड़ा एडिट कर दूंगा, ओके। और एडिट करके क्या कर दूंगा, मैं इसे ऑल स्मॉल लेटर्स में लिख दूंगा, इमेज। ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई एरर अकर हो, ओके, देयर शुड बी नो एरर। और उसके बाद आपको स्क्रीन पर टैप कर देना है तो आपकी जो है ये देखिए जस्ट यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने टेक्स्ट व्यू की भी आईडी चेक करिए। देखिए टेक्स्ट व्यू की जो आईडी है वो है टेक्स्ट व्यू। अब यहाँ पर कैपिटल वी है तो आप हर चीज़ को स्मॉल कर दीजिए सो दैट कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम जब कोड में से यूज करेंगे तो बेसिकली होना ये चाहिए कि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना होता ये है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन अकर हो जाता है, ओके। सो आई वेट फॉर 1 मिनट। अब जो हम करेंगे वो है इस पूरी प्रोसेस की कोडिंग, ओके। हम जो तीनों इमेजेस हमने कॉपी एंड पेस्ट करी हैं और जो टेक्स्ट व्यू में हमें अपने एक्सेलेरोमीटर की वैल्यूज दिखानी है एक्स वाई जेड एक्सिस की, उसके लिए हम कोड करेंगे, ओके। कोड जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल कोड और यू हैव टू डू इट विथ मी सो दैट कोई एरर अगर अकर होती है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल खोलेंगे। यू कैन सी हियर दिस इज अ कोडिंग फाइल। अब आप सब इससे वेरी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए होंगे, तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट्स कहाँ बनाने होते हैं, वेरिएबल्स कहाँ डिक्लेयर करने होते हैं, और आईडी को व्यू से कहाँ जोड़ना होता है, और फंक्शंस और मेथड्स कहाँ लिखने होते हैं, ओके। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, हमने जितने भी व्यूज बनाए हैं उनके लिए रिस्पेक्टिवली उनके जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं हम वो बनाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है एक टेक्स्ट व्यू और हमारे पास क्या है, एक इमेज व्यू, ओके। तो मैं यहाँ लिखूंगा
पहले तो टेक्स्ट व्यू के लिए, सो टेक्स्ट व्यू और उसका नाम मैं रख दूंगा T1, ओके। और इनिशियली इसको मैं असाइन कर दूंगा नल, दैट मींस कि इसके अंदर अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, ये नल है, ओके। तो आपने असाइन कर दिया टेक्स्ट व्यू के अंदर नल, T1 के अंदर नल, ओके। तो अब हम जो दूसरा काम करेंगे वो है इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमने एक इमेज व्यू भी ऐड करी हुई है। सो इमेज व्यू इसका नाम रख देते हैं I1, और सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। अब ये लिस्ट क्यों बनाई है, ये लिस्ट बेसिकली इसलिए बनाई है क्योंकि हम, ये देखिए अब यहाँ पर ये लिस्ट जो है एरर कर रही है, आपको इस एरर को सॉल्व कैसे करना है, ये देखिए जब भी एरर आती है तो आपका जो भी पॉइंट एरर दे रहा होगा आपको वो रेड कलर से जो है हाईलाइटेड दिखाएगा वो एंड्रॉयड आईडी। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको लिस्ट पे क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑल्ट प्लस एंटर आपको दबाना है एक साथ, ओके। तो आप अपने कीबोर्ड का लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑल्ट बटन और राइट हैंड साइड में जो एंटर बटन होता है इसको एक साथ दबाएंगे, तो ये देखिए आपकी एरर जो है ये हट गई, ओके। तो लिस्ट का, लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब लिस्ट बेसिकली क्या करेगी, जितने भी सेंसर हैं आपके फ़ोन में वो सारे इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, ओके। और हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है आपका एक्सेलेरोमीटर, तो हम इसमें से एक्सेलेरोमीटर को यूज़ करेंगे, ओके। अब जब भी आप कभी सेंसर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जब भी आपके प्रोग्रामिंग या कोडिंग में सेंसर्स इन्वॉल्व होते हैं आपके ऐप के अंदर, तो आपको एक मैनेजर की ज़रूरत होती है जो आपके सेंसर्स को मैनेज करे, ओके। उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, सेंसर मैनेजर क्लास का, ठीक है। तो सेंसर मैनेजर क्लास जो होती है बेसिकली आपके सेंसर्स को मैनेज करती है, आप लिखेंगे सेंसर, ओके, फिर मैनेजर, तो ये आपकी सेंसर मैनेजर क्लास हो गई। अब इसका आप बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट, मैं लिख देता हूँ SM और मैं इसे असाइन कर दूंगा नल, ओके। तो ये चीज जो है ये क्या है, बेसिकली हमने इस केस में जितना हाइलाइटेड है आपकी स्क्रीन में, हमने यहाँ पर बनाए कुछ ऑब्जेक्ट्स, ओके। पहला ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट व्यू का, जो टेक्स्ट व्यू आप यूज़ करने वाले हैं रिजल्ट शो करने के लिए, ओके। दूसरा जो है वो इमेज व्यू का है, इमेज व्यू जो आप इमेज दिखाएंगे आपके फ़ोन के पर्टिकुलर पोजिशन पर, हर अलग पोजिशन पर आपको अलग इमेज जो है वो शो होगी। तीसरा जो है वो है आपका लिस्ट, जिसके अंदर होंगे आपके नंबर ऑफ सेंसर्स सारे, ओके। और जो फोर्थ थिंग है वो है सेंसर मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट SM, जो कि आपके सेंसर को मैनेज करेगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, आई वेट फॉर 1 more minute और उसके बाद हम जो है इसकी आगे कोडिंग करेंगे और हम इसे व्यूज से जोड़ेंगे, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट है, इमेज व्यू का जो ऑब्जेक्ट है, इनको हम उनके पर्टिकुलर व्यू की आईडी से जोड़ेंगे,
ओके सो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर है। अब जो हाइलाइटेड जो चीज़ है आपकी स्क्रीन में, जो लाइन आपके स्क्रीन में हाइलाइटेड है, आप जो है उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। दिस इज़ योर ऑन क्रिएट मेथड। यू नो ऑन क्रिएट मेथड क्यों यूज़ होता है, इसका काम क्या होता है? ऑन क्रिएट मेथड तब कॉल होता है जैसे ही आपका जो ऐप है आप खोलते हैं, आप रन करते हैं, तो सबसे पहले जो है ये ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है। दैट मीन्स कि जो चीज़ भी आप इस मेथड के अंदर लिखेंगे वो सबसे पहले रन होने वाली है। ओके तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको व्यू से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैं कोड करता हूँ। सो P1 इक्वल्स फाइंड व्यू बाय ID। अब देखिए जैसे मैंने फाइंड लिखा, मुझे ये फाइंड व्यू बाय ID बाय डिफॉल्ट जो है सजेशन में आने लगा। एंड आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस इसे क्लिक करके एंटर दबा देना है। तो ये कोड जो है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो है आपके सामने लिख कर आ जाएगा, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके और उसके बाद R.ID डॉट। अब आपको याद करना है कि आपने जो है टेक्स्ट व्यू की ID क्या रखी थी। हमने अपने टेक्स्ट व्यू की ID क्या रखी थी, टेक्स्ट व्यू ऑल स्मॉल, आपको याद होगा हमने टेक्स्ट व्यू की ID टेक्स्ट व्यू रखी थी। ओके और उसके बाद आपको लास्ट में एक सेमी कोलन लगा देना। ये हो गया आपका टेक्स्ट व्यू के लिए। आपने टेक्स्ट व्यू जो है आपने असाइन कर दिया P1 में। सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, अब इमेज व्यू के लिए करेंगे। तो इमेज व्यू का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है I1। सो I1 इक्वल्स फाइंड व्यू बाय ID अगेन, और उसके बाद फिर वैसे ही R.ID डॉट। अब हमारा जो इमेज व्यू था उसकी ID हमने क्या रखी थी, उसकी ID जो थी हमारी वो थी इमेज व्यू ऑल स्मॉल। ये देखिए ऐसा कुछ, ये हम अभी रख के आए थे ID, आपको पता होगा जब हम डिज़ाइन कर रहे थे हमने रखा था। ओके सो बेसिकली अब आपको इसके बिल्कुल एंड में एक सेमी कोलन लगा देना है, और एंटर दबाने के बाद ये देखिए आपके जो दोनों व्यूज़ हैं वो हो गए असाइन P1 एंड I1 को रिस्पेक्टिवली। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो सेंसर मैनेजर है हम उसे भी प्रोसेस कर लेते हैं, उसे भी असाइन कर देते हैं। तो सेंसर मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था उसका नाम था SM। ओके तो SM इक्वल्स आपको लिखना है सेंसर मैनेजर। ओके अब आप क्या चाहते हैं, अब आप सिस्टम से सर्विस मांगना चाहते हैं। तो सेंसर मैनेजर बेसिकली क्या करता है कि आपका जो फ़ोन है उसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज हैं। ओके यू नो आपका फ़ोन में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंपोनेंट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं। ओके तो सेंसर मैनेजर का काम क्या है, उन ढेर सारी चीज़ों में से वो आपको वो चीज़ निकाल के देगा जो आपको चाहिए है, एग्जैक्टली जो आपको चाहिए। ओके तो इस केस में आपको क्या चाहिए, आपको आपको किस सर्विस की ज़रूरत है, आपको चाहिए सेंसर सर्विस। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन योर मोबाइल फ़ोन, आपके फ़ोन में बहुत सारे तरीके की सर्विसेज होती हैं, इंक्लूडिंग आपकी कॉलिंग सर्विस, आपकी मैसेजिंग सर्विस। ओके बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, उनमें से आपको चाहिए सेंसर सर्विस। ओके तो उसके लिए हम सिंपल सा एक कोड लिखेंगे जिसको बोलते हैं गेट सिस्टम सर्विस। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि गेट सिस्टम सर्विस मतलब हमें सिस्टम सर्विस गेट करनी है। ओके और कौन सी सिस्टम सर्विस गेट करनी है, वी वांट सेंसर सर्विस। ओके सो व्हाट आई विल राइट हियर इज सेंसर सर्विस।
ना लिखने के बाद होगा क्या कि SM जो सेंसर मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट था वो आपको क्या दे देगा, सिस्टम सर्विस देगा। कौन सी सिस्टम सर्विस देगा? सेंसर सर्विस देगा, बिकॉज यू वॉन्ट टू यूज सेंसर्स, और उसमें भी कौन सा सेंसर आपको यूज करना, एक्सेलरोमीटर। ओके, और उसके लिए भी हम बताएंगे, देखेंगे कि एग्जैक्टली आप जो है एक्सेलरोमीटर को कैसे इतने सारे सेंसर्स में से निकाल के ला सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स वेट फॉर 1 मिनट, इसके बाद हम आगे का कोड करेंगे। ओके, सो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। सो अब आपको याद होगा कि हमने एक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। ओके, और उस लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को हम अब यूज करने वाले हैं। ओके, और क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे उसे अपने एक्सेलरोमीटर सेंसर को गेट करने के लिए। ओके, तो आपके फ़ोन में ना सेंसर्स बहुत सारे होते हैं, एक्सेलरोमीटर में भी आपके पास डिफरेंट टाइप के एक्सेलरोमीटर होते हैं। आपके पास सिर्फ फ़ोन में एक एक्सेलरोमीटर नहीं होता, आपके पास बहुत सारे एक्सेलरोमीटर होते हैं एक फ़ोन के अंदर। ओके, तो वी विल गेट अ लिस्ट ऑफ एक्सेलरोमीटर, इसीलिए हमने लिस्ट का यूज़ करा है। सो लिस्ट इक्वल्स सेंसर मैनेजर का ऑब्जेक्ट जो था हमारा SM डॉट गेट सेंसर लिस्ट। यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पर सजेशन आ रहा है ऊपर गेट सेंसर लिस्ट, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली लिख कर आ गया। सो गेट सेंसर लिस्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या करना है, गेट सेंसर लिस्ट। अब सेंसर लिस्ट तो गेट करना है, लेकिन कौन सा सेंसर गेट करना है? तो वील राइट सेंसर सेंसर डॉट टाइप। ये देखें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे सेंसर्स हैं, हार्ट बीट सेंसर, हार्ट रेट, लीनियर एक्सेलरेशन, प्रॉक्सिमिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देर आर लॉट ऑफ सेंसर्स। अब यू कैन इमेजिन हाउ मेनी सेंसर्स योर फोन मस्ट बी हैविंग। ओके, लेकिन अभी हम एक्सेलरोमीटर पर काम कर रहे हैं, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, टाइप एक्सेलरोमीटर। ओके, ये देखो, अभी सिर्फ टाइप एक्सेलरोमीटर पर काम कर रहे हैं हम, तो मैंने ये जो लाइन है ये लिख दी, ताकि मैं एक्सेलरोमीटर जितने भी हैं उनको इस लिस्ट ऑब्जेक्ट में गेट कर सकूं। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यू नो हाउ टू यूज इफ कंडीशंस नाउ, आपको पता है इफ कंडीशंस कैसे यूज करते हैं, तो आई विल यूज अ इफ कंडीशन। ओके, सो इफ लिस्ट डॉट साइज, इसका मतलब कि अगर लिस्ट का साइज इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और एंटर दबाएंगे। ओके, सो ये देखिए, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर लिस्ट का साइज 0 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि आपके लिस्ट के अंदर मिनिमम कम से कम एक सेंसर तो है। ओके, और यही तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कम से कम एक सेंसर तो हो फ़ोन में, क्योंकि हम एक्सेलेरोमीटर को यूज़ तभी करेंगे जब सेंसर होगा। ओके, तो अगर लिस्ट का साइज 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि आपके पास सेंसर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली सेंसर मैनेजर जो है उस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा SM डॉट,
अब उसके बाद क्या करूंगा, रजिस्टर लिसनर, देखिए अब मुझे जैसे ही मैंने रजिस्टर एल यहाँ पर टाइप करा तो मुझे यहाँ ऊपर सजेशंस आने लगे पहले ही, तो मुझे कुछ नहीं करना बस इसे टैप कर देना है एक बार। ये देखिए कोड ऑटोमेटिकली लिख करके आ गया है, sm.registerListener। एंड देन UL और उसके बाद यहां पर मैं लिखूंगा सेंसर, कैपिटल S सेंसर लिस्ट डॉट गेट 0। ओके तो इतना लिखा आपने, तो बेसिकली आप इतना लिखने के बाद समझिए कि क्या है ये, क्यों लिखा हुआ है। सो बेसिकली हो ये रहा है कि अगर आपकी लिस्ट में एक भी सेंसर है तो आप चाहते हैं कि हम उस सेंसर को यूज करें। ओके तो अगर आप उस सेंसर को यूज करना चाहते हैं और अगर उसमें एक भी सेंसर है तो हम जीरोथ पोजीशन वाला सेंसर उठा लेंगे, दैट इज हम जो है अपना जो अगर एक भी सेंसर उसमें अवेलेबल है तो हम उस एक सेंसर को भी उठाकर यूज करेंगे। ओके तो इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, कॉमा सेंसर मैनेजर डॉट सेंसर डिले नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं, यहाँ पर सेंसर डिले फास्ट आ रहा है, सेंसर डिले गेम आ रहा है, आपको नॉर्मल डिले पर काम करना है, सेंसर डिले नॉर्मल। ओके और आप इतना करने के बाद जो है यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। ओके तो ये तो हो गई इफ कंडीशन कि अगर आपके पास कोई सेंसर है तब आप सिंपली क्या करेंगे, उस सेंसर को यूज करेंगे। ओके बट अगर आपके पास सेंसर नहीं है, अगर आपकी लिस्ट का जो साइज है वो जीरो है तो क्या होगा, तो कंडीशन क्या है, अगर लिस्ट का साइज जो है जीरो से बड़ा है दैट मीन्स आपके पास सेंसर एक एटलीस्ट एक सेंसर तो है। लेकिन अगर आपके पास एक भी सेंसर नहीं है तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर else कंडीशन का यूज करेंगे। ओके तब हम else कंडीशन का यूज करते हैं, else और उसके बाद enter else। अब हम यहाँ पर क्या शो करेंगे, टोस्ट। टोस्ट क्या होता है, टोस्ट एक बेसिकली एक मैसेज होता है, जब भी आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना होता है यूज़र को कुछ देर के लिए स्क्रीन में पॉपअप जो मैसेज आते हैं वैसा कुछ, तो आप क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली आप यूज़ करते हैं टोस्ट का। ओके तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्रिएट अ न्यू टोस्ट पर क्लिक करेंगे बिकॉज यू वॉन्ट टू क्रिएट अ टोस्ट। अब आप जो पहला वाला टोस्ट जो है उसे क्लिक करेंगे तो पूरी कोडिंग बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली लिखकर आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए यू कैन सी हियर, यहां पर जो है पूरी कोडिंग आपके सामने है। बस आपको यहाँ करना क्या होता है, आपको जो भी मैसेज प्रिंट कराना है यूजर को आपको इन दो कोटेशंस के बीच में लिखना है। ओके तो अगर आपकी लिस्ट का साइज जीरो है इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास तो कोई सेंसर है ही नहीं। ओके तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरर नो
एक्सेलेरोमीटर या फिर एरर नो सेंसर लिख सकते हैं, एरर नो सेंसर। ओके, तो जब आप ऐप रन करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली अगर आपके पास कोई सेंसर होगा तब तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलेगा आपका ऐप। लेकिन अगर आपके पास कोई सेंसर नहीं होगा तो आपको जो है ये वाली लाइन जो है लिख कर आएगी, एरर नो सेंसर। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी, या फिर ठीक है कोई नहीं, एरर नो सेंसर, दैट्स गुड। ओके, तो ये कोड जो है ये आपका बेसिकली, अब देखिए यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है SEL पर, तो आप SEL पर क्लिक करिए। और ये देखिए यहाँ पर जब भी आपको कहीं एरर दिखता है तो बेसिकली आपको करना क्या होता है कि आपको उस एरर पर क्लिक करना है। ओके, क्लिक करा आपने तो ये देखिए यहाँ पर ये एक कॉर्नर में आप देख सकते होंगे, यहाँ मैं जूम कर देता हूँ ज़रा, ये देखिए मैंने इसे क्लिक करा और यू कैन सी है यहाँ पर एक आइकन बना हुआ आता है, आपको इसे क्लिक करना है। और ये देखिए जो भी आपकी एरर होगी उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, वो यहाँ पर आपको जो है विजिबल हो जाएंगे। आप यहाँ से अपनी एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको नॉट ओनली इन दिस ऐप, अगर आप किसी और ऐप को भी रन कर रहे हैं, किसी और ऐप के आपका जो ऐप है उसमें भी अगर कोई एरर आती है तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट लोकल। अब जैसे आपने यहाँ पर एरर आ रही है, ओके, जब भी कोई एरर आती है तो वो कलर रेड हो जाता है उस एरिया का, तो यहाँ पर जो कलर है वो हाईलाइट हो रहा है, तो मैंने इसे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो आइकन दिख रहा है आपने उसे प्रेस करा, और उसके बाद क्रिएट लोकल वेरिएबल SEL, ओके, तो आपने इसे क्लिक कर दिया। ये देखिए, तो आप इसे इसे यहाँ नहीं कब बनाएंगे, आप इसे ऊपर बनाएंगे। अभी आप इसे छोड़ दीजिए, अभी आप इसे कोई भी ऐड मत करिए, ओके, इसे अभी ऐसा ही रहने दीजिए, क्योंकि अभी हम जो अगला काम करेंगे वो यहीं पर करने वाले हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, अब ये तो एरर बता रहा है, वो क्यों बता रहा है, अभी आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको जो बताया है वो आप बाकी ऐप्स में यूज कर सकते हैं लेकिन इस ऐप में नहीं। ओके, क्यों नहीं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये बेसिकली क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है सेंसर इवेंट लिसनर का ऑब्जेक्ट। अब सेंसर इवेंट लिसनर क्या होता है, बेसिकली जब भी आपको कोई काम इवेंट के लिसन पे करवाना होता है, मतलब आप चाहते हैं कि आपका फोन जैसे ही हल्का सा भी हिले तो आपके जो भी कोऑर्डिनेट्स हों वो आपको शो हो जाए, ओके, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली इस फील्ड को हम ऊपर डिफाइन करेंगे। आपको सबसे पहले अपने फाइल में सबसे ऊपर आना है जहां पर आपने ये देखिए ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, ओके, आप यहां पर आ गए। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। आई होप यू कैन सी, वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक आपने सेंसर इवेंट लिसनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। मैंने जो आपको बताया, जो आपको आइकन को क्लिक करके जो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं वो आप अभी मत करिए, ओके, बिकॉज अभी आपने इवेंट लिसनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। सो आई विल रिकमेंड कि अभी आप उसे यूज़ ना करें, मैं जो बता रहा हूँ आप वो करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेंसर इवेंट लिसनर, वी विल यूज दिस क्लास सेंसर इवेंट लिसनर। ये आ गई आपकी सेंसर, ये आ गई आपकी सेंसर इवेंट लिसनर क्लास। ओके, पहले काम करिए आप, इसे मैं यहां से इरेज कर देता हूँ। आप जब तक इस कोड को कंप्लीट करिए, कंप्लीट दिस कोड फर्स्ट, उसके बाद हम आगे करेंगे। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि आपको कोड देखना है या ऐसा कुछ, यू कैन सी द कोड। ओके, तो
ओके सो आई होप आपने इतना कर लिया होगा. ओके आई विल रिपीट फॉर यू गाइस. बेसिकली ये एरर जो है इसे हम आगे सॉल्व करेंगे. आपको अभी पैनिक नहीं करना है कि ये एरर क्यों आ रहा है सर. ओके अगर आपने इतना लिख लिया है दैट्स वेरी गुड. अब हम इसके आगे लिखेंगे. तो इसके आगे जो हमें लिखना था वो बेसिकली हमें लिखना है सबसे ऊपर आपकी जो जहाँ आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उसके नीचे से लिखना शुरू करना है. ओके व्हाट आई वाज सेइंग दैट इज दैट कि आपको सेंसर इवेंट लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है. ओके और वो कैसे होगा सर. हम सिंपली लिखेंगे सेंसर इवेंट लिसनर SEL. अब देखिए वो जो एरर आ रही थी वो क्यों आ रही थी, क्योंकि SEL जो ऑब्जेक्ट था, ये देखिए अब नहीं आ रही है एरर, अभी एरर हट चुकी है. क्यों, क्योंकि SEL क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बना नहीं था. ओके सो नाउ सेंसर इवेंट लिसनर SEL इक्वल्स न्यू सेंसर इवेंट लिसनर. अब ये देखिए, अब जैसे ही मैंने न्यू और SEN लिखा तो मुझे देखिए सजेशंस आने लगे. अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन और स्पेस बटन एक साथ दबाना है. ओके और उसके बाद आपके जो सजेशंस हैं वो आने लगेंगे. आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, सेंसर इवेंट लिसनर. ओके आपको ये जो हाईलाइटेड है अभी स्क्रीन पर, आपको सिर्फ उसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद यू विल प्रेस एंटर. इतना करने के बाद क्या होगा कि आपके जो मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स वो ऑलरेडी देखिए ओवरराइड होकर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गए. यू कैन सी हियर. अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक एरर हो रही है, यहाँ पर एक एरर आ रही है. सो व्हाट यू विल डू इज आप यहाँ पर एक सेमी कोलन लगा दीजिए. ये देखिए आपका एरर हट गया. ओके अब हम जो कोड करेंगे वो किसके अंदर होगा, ऑन सेंसर चेंज, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे सेंसर का जब भी कुछ चेंज हो तो हम उसे गेट करें जो भी चेंज है. उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूज करूँगा एक फ्लोट टाइप के एरे का, फ्लोट वैल्यूज इक्वल्स इवेंट डॉट वैल्यूज. अब बेसिकली ये क्या करेगा, आपको जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी एक्स वाई और जेड एक्सिस की वो आपको गेट करके देगा ये वैल्यू वेरिएबल. कैसे करके देगा, लेट मी शो यू. व्हाट यू विल डू इज अगेन यू विल क्रिएट फ्लोट वेरिएबल्स, फ्लोट एक्स क्योंकि हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए, फ्लोट एक्स वैल्यूज वैल्यू ऑफ जीरो यानी कि एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस को बेसिकली यहाँ जीरो से डिनोट करा जाता है, वाई को वन से एंड सिमिलरली जेड को टू से. तो ऐसे ही करके मैं एक्स के लिए जैसे करा है मैंने वैसे ही वाई के लिए करूँगा वैल्यूज ऑफ वन. तो ये जो है किस चीज़ की वैल्यू देगी मुझे, ये मुझे वैल्यू मिलेगी किस चीज़ की, वाई एक्सिस की आपके फोन के. और उसके बाद फ्लोट सेट एड इक्वल्स वैल्यू टू. ओके तो अब एक्स वाई और जेड के अंदर मेरी जो वैल्यूज हैं वो आ गई किसकी, आपके फोन के कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स वाई और जेड. अब आप जैसे भी अपना फोन हल्का सा भी चेंज करेंगे तो जो भी चेंजेस होंगे वो आपको विजिबल होंगे. अब कहाँ विजिबल होंगे, मैं कहाँ विजिबल कराना चाहता हूँ, टेक्स्ट व्यू में. और टेक्स्ट व्यू मैंने बनाया था अपना, उसका नाम मैंने क्या रखा था, T1. आपको याद होगा मैंने इसका नाम T1 रखा था. तो T1.setText. अब मैं T1 के अंदर टेक्स्ट को सेट करूँगा और वो टेक्स्ट क्या होगा ये देखिए, अब ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ. तो मैं यहाँ लिखूँगा एक्स इक्वल्स ओके स्पेस, अब यहां पर मैं लिखूंगा प्लस एक्स अगेन प्लस डबल कोटेशंस वाई इक्वल्स प्लस वाई प्लस
अगेन डबल कोटेशंस जेड इक्वल्स प्लस जेड। अब आपको इस लाइन को थोड़ा सा संभल कर लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स एक साथ यूज हो रहे हैं। अब इतनी लाइन लिखने के बाद होगा क्या सर कि आपकी जो एक्स वाई और जेड वैल्यूज जो हैं आपके फोन के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो टेक्स्ट व्यू में विजिबल होंगे। ओके ओके तो इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम कुछ कंडीशंस चेक करवाएंगे और उन कंडीशंस के बेसिस पे अपना जो इमेज व्यू है उसके अंदर जो भी इमेज होगी उसे चेंज करेंगे। ओके तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा इफ अगर x की वैल्यू, इसका मतलब मेरा x अगर x कोऑर्डिनेट अगर 5 यूनिट से ज्यादा बड़ा होता है। ओके तो कर्ली ब्रेसेस, देखिए इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा आई वन डॉट सेट इमेज रिसोर्स, सेट इमेज रिसोर्स ये बेसिकली क्यों यूज होता है, आपको जब भी प्रोग्रामेटिकली किसी भी इमेज को सेट करना होता है तब सेट इमेज रिसोर्स आर डॉट ड्रॉएबल, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, अब आपने जो भी पहली इमेज डाली थी, मेरी पहली इमेज का नाम था ओ ए, ये मेरी इमेज का नाम है। ओके अब ये जो है ये चीज क्या करेगी, आपकी पहली इमेज को सेट कर देगी अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 5 यूनिट से बड़ा होगा अगर तो। इसके बाद एल्सिफ, यानी कि इसके अलावा अगर आपकी वाई वैल्यू जो है वो 5 यूनिट अगर बड़ी हो जाती है तो आप क्या करेंगे, फिर आई वन डॉट सेट इमेज रिसोर्स आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, दूसरी इमेज का नाम था मेरी ओ बी, तो मैं दूसरी इमेज, आप अपनी इमेज जो पहली इमेज है दूसरी इमेज है उसका नाम आप यहां पर डालेंगे, मेरी दूसरी इमेज का नाम था ओ बी इसलिए मैंने यहां डाला। ओके इतना हो गया। अब ये एक्स और वाई एक्सिस के चेंज होने पर तो मैंने दो इमेजेस सेट करवा दी, लेकिन अब मेरा अभी एक और बच्चा है जेड एक्सिस वाला, मेरा जेड एक्सिस वाला पार्ट बचा है, तो मैं क्या करूंगा एल्स इफ, यानी कि अगर मेरा जेड जो कोऑर्डिनेट है, ओके मेरा जो जेड कोऑर्डिनेट है वो अगर बड़ा हो जाता है 5 यूनिट से, दैट मींस कि अगर आपने अपने फोन को जेड एक्सिस पर 5 यूनिट से ज्यादा ऊपर मूव करा, ओके तो आपके फोन की जो इमेज है वो चेंज हो जाएगी आपके थर्ड इमेज जो भी आपने इंसर्ट करी होगी। आई वन डॉट सेट इमेज रिसोर्स आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, आपका थर्ड इमेज, मेरे थर्ड इमेज का नाम है ओ सी, सो आई विल राइट ओ सी हियर। ये देखिए, तो अब ये तीन केसेस मैं आपको फिर से बता देता हूँ बेसिकली यहाँ कर क्या रहे हैं। तीन केसेस यहाँ पर इसलिए बने हैं क्योंकि हम इमेज जो हमारी है उसे हम चेंज करना चाहते हैं सेंसर के इवेंट लिसनर पर, मतलब कि अगर सेंसर की वैल्यूज चेंज होंगी तो इमेजेस भी चेंज होंगी इमेज व्यू के अंदर। ओके तो ये देखिए, पहला अगर एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाती है 5 यूनिट से तो हमारी पहली इमेज सेट हो जाएगी इमेज व्यू में, अगर y की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी हो जाती है तो हमारी जो सेकंड वैल्यू है जो इमेज है वो सेट हो जाएगी इमेज व्यू में, अगर z की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी हो जाती है तो हमारी थर्ड इमेज जो है वो सेट हो जाएगी इमेज व्यू के अंदर एंड सो ऑन। ओके और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये else if और इफ केसेस जो हैं ये हमने बना लिए, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, एक केस और बनाएंगे कि अगर ये केस और कुछ नहीं होता, अगर यहां पर ये बाकी चीजें नहीं होती तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे else nothing बिकॉज इसके अलावा हम कुछ चाहते नहीं। ओके देयर इज नो अदर कंडीशन क्योंकि हमारे पास x y और z ये सिर्फ तीन वैल्यूज हैं, सो बेसिकली हम यहां पर
तीन वैल्यूज के लिए ही कंडीशन लिखेंगे और एल्स को जो है वो खाली छोड़ देंगे, एल्स के अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे। ओके सो इतना लिखने के बाद आपका होगा क्या कि आपका कोड ये जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए आपको पता होगा यहाँ पर एरर आ रही थी, आपको याद होगा यहाँ पर SEL पर एरर आ रही थी, देयर वाज अ एरर, लेकिन हमने जब ये पूरी की पूरी चीज लिख ली ऑन सेंसर चेंज के अंदर तो ये एरर हट गई। आपको ऑन एक्यूरेसी चेंज में कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आप नहीं चाहते यहाँ पर कुछ चेंज हो, क्योंकि एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली चेंज होती ही रहती है। ओके सो आप जो है सिर्फ कहाँ लिखेंगे ऑन सेंसर चेंज में आपने इतना कोड जो है लिखना है। सो यू कैन सिंपली ट्राई रनिंग योर ऐप इन योर फोन, कनेक्ट करें अपना फोन और रन करने की कोशिश करें। द कोड इज फिनिश्ड। एक कोड वॉक थ्रू ले लेते हैं शुरू से लेकर एंड तक हमने एग्जैक्टली क्या क्या करा है। सो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने जो है मेन एक्टिविटी जो मेरी थी ये बनाई। दो फाइल्स आती हैं जब भी हम कोई भी ऐप बनाते हैं, पहली जो है हमारी इमेज व्यू है, दूसरी जो है वो है हमारी टेक्स्ट व्यू। ओके सो अब हम क्या करेंगे, हमने पहले तो उसकी आईडीज को डिफाइन कर दिया, पहली जो टेक्स्ट व्यू है उसकी आईडी हमने डिफाइन कर दी, और उसके बाद फिर एडिट टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट व्यू की जो है उसकी आईडी डिफाइन कर दी। अब हम मेन एक्टिविटी में आए थे, उसके बाद हमने मेन एक्टिविटी के अंदर कोड करा था पूरा। हमने सबसे पहले टेक्स्ट व्यू के ऑब्जेक्ट बनाए, इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, लिस्ट बनाई जिसके अंदर हम सारे सेंसर्स को गेट करेंगे। सेंसर मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया बिकॉज सेंसर मैनेज क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली आपके सारे सेंसर्स को मैनेज करेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। ओके उसके बाद हमने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर अपने सारे व्यूज को इनिशियलाइज करा। इनिशियलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने व्यूज को आपके वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं उनसे जोड़ते हैं। लिस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने क्या करा, सारे एक्सेलेरोमीटर जितने प्रेजेंट थे आपने सारे के सारे लिस्ट के अंदर गेट कर लिए। ओके सारे गेट करने के बाद आपने चेक करा कि क्या आपकी लिस्ट में एटलीस्ट एक तो सेंसर है कि नहीं। अगर आपकी लिस्ट के अंदर एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट भी है एक भी सेंसर है तो आप क्या करेंगे, आप उस सेंसर को रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करेंगे किस लिए, यूज़ करने के लिए। ओके तो आपने यूज़ करा रजिस्टर लिस्नर का। ओके और अगर आपके पास आपके फ़ोन के पास सेंसर नहीं है तो बेसिकली सिंपल एक मैसेज प्रिंट होगा, एरर नो सेंसर। ओके और इसके बाद हमने क्या करा, हम ऊपर आए थे वापस और हमने सेंसर इवेंट लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और लिसन करा था उसके कॉल पर हम क्या कराना चाहते हैं। तो हमने दो जो मेथड है वो ओवरराइड करे, पहला था ऑन सेंसर चेंज जो कि है ये वाला। ओके और दूसरा है वो क्या है, ऑन एक्यूरेसी चेंज। एक्यूरेसी चेंज में आपको कोई भी चेंज करना नहीं है। ओके हम जो भी चेंज करेंगे सेंसर के चेंज होने पर करेंगे, जैसे ही सेंसर की वैल्यू चेंज होगी हम अपने कोड के अंदर वेरिएशन करेंगे। ओके तो हमने सबसे पहले फ्लोट टाइप का एरे बनाया। अब एरे जो है इसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे वैल्यूज होंगे एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का एंड सो ऑन जेड एक्सिस का भी। अब इसके बाद क्या होगा, आपने सारे के सारे एक्स वाई जेड एक्सिस की वैल्यूज को गेट कर लिया और ये जो लाइन आपने लिखी है t1.setText, अब आपको पता है सेट टेक्स्ट कब कॉल होता है, जब आपको टेक्स्ट सेट करना होता है। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट को सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स आपके फ़ोन के। ओके ओरिएंटेशन होगा जो आपके फ़ोन का, और अगर आपका एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है वो 5 से इंक्रीमेंट होता है ज़रा सा भी तो आपका जो है पहला इमेज सेट हो जाएगा। वाई का वैल्यू अगर 5 से इंक्रीमेंट होता है तो आपका दूसरा जो है वो सेट हो जाएगा इमेज, और सिमिलरली अगर तीसरा वाला जो है वो सेट होता है, अगर आपका जेड जो कोऑर्डिनेट है आपका ओरिएंटेशन जेड का 5 से ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है तो क्या होगा, थर्ड वाला जो आपका इमेज है OC, मेरा जो है वो OC है, आपका कोई भी नाम हो सकता है रिस्पेक्टिवली, बस आपको याद रखना है कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, PNG में नहीं होना चाहिए। ओके इतना हो गया और उसके बाद else case में हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि यही तीन conditions हैं। So that's it guys, इतना code था आपके sensors को get करने का
और सेंसर्स को यूज़ करने का, आपके फ़ोन के सेंसर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हमने सिर्फ यूज़ करा है सेंसर, हमारा एक्सेलेरोमीटर वाला सेंसर। यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, आप बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम। ओके, तो आई थिंक सभी को कोड क्लियर होगा और डेफिनेटली हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच अंकुर, बाय बाय। या बाय बाय।